दोस्तों, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है। अब पहलवानों ने धरना स्थल पर ब्रिजभूषण के आपराधिक इतिहास का पोस्टर लगा दिया है। इसमें उन्होंने उनके ऊपर 38 मामलों का जिक्र किया है। इसमें गुंडा एक्ट, आर्म एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और तमाम अलग अलग धाराएं शामिल हैं। इसके अलावा किस थाने में कौन सा मुकदमा दर्ज हुआ है ये भी इसमें लिखा हुआ है। दोस्तों, इस क्रम में पहलवानों का साथ देने के लिए दूसरे राज्यों से किसान भी अब दिल्ली में आना शुरू हो गए हैं, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर पर ही रोक लिया है। किसान नेता अभिमन्यु चर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार कान खोलकर सुन ले, यदि सरकार पहलवानों का पानी व खाना रोकेगी तो हम दिल्ली का पानी रोक देंगे, दिल्ली के रास्ते रोक देंगे, दिल्ली की बिजली रोक देंगे। फिर सरकार ये मत कहना कि ये क्या हो गया। दोस्तों, आप भी देखिए वायरल वीडियो और क्या कुछ कहा अभिमन्यु कोचर ने। अच्छा, कान खोल के सुन ले कि जंतर मंतर पे बैठे हुए पहलवानों का आपने पानी रोक दिया, उनका खाना रोक दिया, उनके लिए बेड नहीं जाने दिया, आपने बेड उनके लिए रोक दिए। तो कान खोल के सुन लो, तो ये सड़कें दिल्ली की तरफ जाती हैं, ये हम किसानों के खेतों में से होके जाती हैं, इन सड़कों को रोक दिया जाएगा तो दिल्ली का पानी जाता है वो हरियाणा में से होके जाता है, वो नहरे काट के दिल्ली का पानी रोक दिया जाएगा, जो आपके बिजली के खंभे जो गए हुए हैं जिनमें से दिल्ली की बिजली जाती है वो हरियाणा के किसानों के, पंजाब के किसानों के खेतों में खंभे गले हुए हैं, वहाँ से बिजली काट दी जाएगी। अगर आप इस तरीके का अन्याय करोगे तो पूरे तरीके से दिल्ली को ठीक उसी तरीके से बंद करेंगे जैसे 13 महीने तक चले आंदोलन में पूरे दिल्ली को सील कर दिया था।